बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे ज़्यादा इल्म अता फरमा। हम कैसा इल्म चाहते हैं जो हमें मैथ्स पढ़ने के साथ साथ सही और गलत में भी तुम्हें सिखाए, सही और सच्चे रस्ते की पहचान सिखाए, अपने रब का तारुफ़ कराए, वो है कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ना शुरू करें। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद रब्बे कायनात का तारुफ है। ये हमें बताती है कि हमें दुनिया में अल्लाह ने किस लिए भेजा है, सच्ची कामयाबी और खुशी कैसे मिलती है, और सच अल्लाह पे ईमान लेके आना, अल्लाह को आप ख्याल में रखना। तो प्यारे बच्चों, आज से तर्जमे के साथ कुरान पढ़ना शुरू करें। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हम यूनिट वन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम उसमें करेंगे विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर कम्फर्टेबल फॉर एडिशन। ये आपके साथ ए बी सी डी ई एफ मैट्रिसेस हैं। आपने बताना है कि कौन सी जो हैं वो आपस में मैच करती हैं, कम्फर्टेबल फॉर एडिशन है। हमने देखा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जब करते हैं तो टू मैट्रिसेस मे बी एडेड इफ़ दे हैव द सेम डायमेंशंस, यानी उनके रोज एंड कॉलम एक जितने होने चाहिए, तब वो एडिशन हो सकती है। तो इसमें ए और ई जो है वो मैच करती हैं, दे बोथ हैव ऑर्डर 2x2, यानी इसमें दो ही कॉलम्स हैं और दो ही रोज़ हैं। इसी तरह ये सी एंड एफ जो हैं, दे हैव 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, सो ऑर्डर इज़ 3x2। और ये जो है ऑर्डर 2x1 है, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ये आपस में एडिशन के लिए कम्फर्टेबल हैं। तो इस तरह से हम इनको रीग्रुपिंग कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ए और ई, सी एंड एफ और डी एंड बी। और अब हम फाइंड आउट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस दी हुई हैं, आपने इनका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एवरी मैट्रिक्स एलिमेंट, हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं, और इसको माइनस ए लिखा जाता है। सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स एडिटिव मैट्रिक्स इज ज़ीरो। तो ये हमने ए और नेगेटिव ए का इसका एडिटिव इन्वर्स बनाया, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो सम इज ज़ीरो। अब बाकी भी इसी तरीके से आप बाकी जो मैट्रिसेस हैं, कॉपी पेंसिल लें, खुद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप वो खुद से करें, क्योंकि सेम प्रोसेस को आपने देखना है। फिर है इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, देन फाइंड ए प्लस। तो ये एक्चुअली एडिशन है मैट्रिसेस की। तो सबसे पहले तो हमने देखा है कि दीज आर कम्फर्टेबल फॉर एडिशन, के सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम, दो रोज हैं दोनों मैट्रिसेस में और दो ही कॉलम हैं, तो ये जो हैं वो कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन। फिर अब हम दूसरी बात है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हम कोरस्पोंडिंग मैचिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से उठाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है इनको ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आ गया, जो रेड बॉक्स के अंदर है, दिस इज़ द आंसर। आप इसी तरीके से बाकी जो एग्जांपल्स हैं एडिशन की, उनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप खुद से सॉल्व करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक और है, फाइंड 2a, एज़ ए इज़ ए की वैल्यू दी हुई है। आपको पता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को खाली एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराती है, उस नंबर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम अगर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 2, फिर 2 इंटू 2 4, फिर हम सेकंड रो पे जाएंगे 2 इंटू 2 4, और 2 1 2 हो गया। तो बाकी भी आपने इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप बहुत आराम से बाकी एग्जांपल्स को खुद से कॉपी पेंसिल लें तो कोई आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
Thank you for watching.